वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। आखिर कब तक ये जिहादी पशुओं की तस्करी करते रहेंगे? आखिर कब तक ये पशु को चुरा कर भागते रहेंगे और उनका मांस बाजार में बेचते रहेंगे? एक ना एक दिन हिंदुओं को गुस्सा आना था और ऐसा गुस्सा आया कि अब मोहम्मद सिद्दीकी पशु चुराने के लिए या फिर गौ तस्करी करने के लिए इस दुनिया में बचा ही नहीं। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। बिहार के अररिया जिले में एक कथित पशु चोर को ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। मृतक का नाम मोहम्मद सिद्दीकी बताया जा रहा है, जो सोपेल का रहने वाला है, और बताया ये भी जा रहा है कि वो कई बार पशुओं को चुरा चुका है। मृतक की उम्र लगभग 50 साल की है। ये घटना प्रखंड की बताई जा रही है, मतलब साफ है कि कई बार इसने यहाँ पर इस गांव में अंजाम दिया था, लेकिन ग्रामीणों ने भी ठान लिया था कि इसे वो सबक सिखा कर रहेंगे। वही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। घटना 7 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड संख्या 4 में शनिवार बड़ियते ने अपने पशु को चोरी कर ले जाते हुए कुछ लोगों को देख लिया और उसके बाद वह शोर मचाने लगे, तो थोड़े ही समय में गांव के तमाम लोग वहां पर जमा हो गए। हल्ला सुनकर पशु चोर भागने लगे, तब वहां गांव वालों ने उनका पीछा किया। इस दौरान पशु चोरों ने गोली भी चलाई, लेकिन कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। आखिरकार उनमें से एक सुरसुर बांध के पास ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। उसके बाद आक्रोशित भीड़ चोर पर टूट पड़ी। ग्रामीणों की पिटाई में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी चोरों ने चोरी कर ले जा रहे 4 भैंसों को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। गांव वालों का कहना है कि मारा गया चोर पहले भी चोरी कर चुका था और वह चोरी करने के लिए दोबारा आया था। इस दौरान गृहस्वामी की आंख खुल गई। इस घटना की जानकारी प्रशासनिक अधिकारी को हुई तो वो मौके पर पहुंच गए। थाना प्रभारी ने कहा है कि आगे की जांच की जा रही है और जो भी होगा उस पर यहां पर आरोपी जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जाँच के बाद उन्होंने भी बताया है कि जिस तरीके से खुलासे हुए हैं, ये भी हो सकता है कि ये सच में कई बार चोरी किया गया था। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इसने कई बार ऐसे अंजाम दिए हैं, कई बार पशुओं को चुरा कर ले जाता था, फिर उनका मांस बेचता था। मतलब ग्रामीणों ने पहले से ही ठान लिया था कि यहाँ पर गौ माता या फिर भैंस की ऐसी तस्करी जो करेगा उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी 4 पुश्तें भी ऐसा करने से अब सोचेगी। और ऐसा ही मोहम्मद सिद्दीकी के साथ हुआ, जिसको यहाँ पर खुदा के पास भेज दिया गया और बता दिया गया कि हिंदू अब जाग उठाए और अगर ऐसा कोई तस्करी या फिर कोई यहाँ पर फर्जी गायों को उठाकर उनका मांस बेचेगा, उन्हें काटेगा, तो उसका यही हाल अब होने वाला है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।